हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू मैं वो तीसरा और चौथा जो फंक्शनल पैरामीटर है वो लेके हाजिर हो चुका हूँ। इससे पहले वीडियो में जो दो पहला और दूसरा फंक्शनल पैरामीटर था, यानी कि जो प्रीएम्प्टिविटी और जो क्रिटिकलिटी ऑफ जॉब था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे काफ़ी अच्छी तरीके से और डिटेल में। यहाँ पे भी मैं एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डालने वाला हूँ रिलेटेड टू द ऑप्शनल एग्जीक्यूशन एंड लेक्सिटी टाइप एंड लेक्सिटी फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। ऑप्शनल एग्जीक्यूशन, ऑप्शनल एग्जीक्यूशन इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है कि नहीं। जैसे कि जॉब्स होते हैं, कुछ जॉब्स होते हैं ऑप्शनल जॉब्स होते हैं, कुछ जॉब्स होते हैं मैंडेटरी जॉब्स, बात सही कि नहीं। अब ऐसे ऑप्शनल जॉब्स और मैंडेटरी जॉब्स में फ़र्क क्या है? सी, जो ऑप्शनल जॉब्स होते हैं वो ऐसे जॉब्स होते हैं कि जिन्हें आप छोड़ दो, जिन्हें आप इग्नोर करो तो भी चलता है। मतलब क्या कि ऐसे जॉब जिनको आप अनएग्जीक्यूटेड भी छोड़ दो या फिर पार्शियली एग्जीक्यूट करके छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रास्टिक नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इवन इफ़ यू लीव दिस रिस्पेक्टिव जॉब अनएग्जीक्यूटेड और पार्शियली एग्जीक्यूटेड। आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगी इवन इफ़ यू लीव दिस ऑप्शनल जॉब अनएग्जीक्यूटेड। समझ में आ गया? मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी इसका उल्टा है। मैंडेटरी वो जॉब्स होते हैं कि जिन्हें एग्जीक्यूट करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी 100% एग्जीक्यूट करना है, ओके? क्योंकि क्या है, इन जॉब्स के ऊपर आपके जो सिस्टम का परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत डिपेंड करती है। अगर आपने ऐसे रिस्पेक्टिव जॉब्स को अगर निग्लेक्ट कर दिया या फिर अनएग्जीक्यूट कर दिया, तो भाई आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बड़ी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, परफॉर्मेंस नेगेटिव हो जाएगी और आपको जो फंक्शनैलिटी मिल रही है सिस्टम की वो भी सेटिस्फैक्टरीली नहीं होगी। इसलिए मैंडेटरी जॉब्स को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो कि अभी एकदम से बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर के सामने ऐसे सब जॉब्स आके खड़े हो गए, मुझे एग्जीक्यूट करना, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन कौन से जॉब्स ऑप्शनल है, बराबर है। तो उन ऑप्शनल जॉब्स को बोलना है चलो एक कदम पीछे चलो, ज़्यादा नाटक नहीं, एक कदम पीछे चलो, ऑप्शनल जॉब्स को पीछे ढकेल देना है और जो आपके मैंडेटरी जॉब्स होंगे उनको कंसिडर करना है फॉर एग्जीक्यूशन। एक बड़ा ही सिंपल सा और रिलेटेबल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। क्या है, मुझे ना बेसिकली जब मैं एंड सेम एग्ज़ाम देता था, ओके, तो मुझे एक आदत थी कि मैं आंसर के नीचे अंडरलाइन मारता हूँ, ओके, ताकि डिस्टिंग्विश कर सकूँ कि ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है, एज इफ एग्जामिनर को कुछ पता चलने नहीं वाला अगर मैं नहीं बताऊँगा तो। सो इसमें भी मैं आपको इसके थ्रू रिलेटेबल एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कल आपका ERTOS का पेपर है और उसमें जो ये अंडरलाइन मारने का फंडा है ना, जैसे कि आपकी आंसर शीट है, ये आंसर वन है, आंसर वन यहाँ ख़त्म हुआ तो दो दो अंडरलाइन मारना है, फिर ये आंसर टू है, फिर आंसर टू ख़त्म होने पर दो दो अंडरलाइन मारना, तो ये जो है ये ऑप्शनल जॉब है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये नहीं किया तो भी आपके मार्क्स में क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपने जो यहाँ लिखा होगा यहाँ पे उसके ऊपर वो फर्क पड़ने वाला है, बराबर है कि नहीं। तो ये लाइन मारो नहीं मारो ये ऑप्शनल जॉब है, बराबर। लेकिन मैंडेटरी जॉब क्या है? मैंडेटरी जॉब ये है कि आपको आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और पूरा 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। दैट इज व्हाट द मैंडेटरी जॉब इज। नहीं तो आप क्या करोगे, ऑप्शनल जॉब करते बैठोगे, सिर्फ अंडरलाइन मारते बैठोगे और आंसर की जगह पे कुछ नहीं लिखोगे तो फिर कैसे मिलेगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए मैंडेटरी जॉब है कि आपको आंसर को बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से लिखना है, डायग्राम के साथ लिखना है, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, तो फिर आपको मार्क्स भैया बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल जॉब्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हो, अंडरलाइन मारते हो, तो इतना कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं उसका। सो दिस वॉज द सिंपल बेसिक एग्जाम्पल, ओके। अब आते हैं भैया फोर्थ वाले की तरफ, लास्ट वाले की तरफ, वो है लेक्सिटी टाइप एंड लेक्सिटी फंक्शन। सी, व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिटी टाइप एंड लेक्सिटी फंक्शन? सो बेसिकली लेक्सिटी टाइप आपको बताता है कि जो आपके जॉब का टाइमिंग कंस्ट्रेंट है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, यानी कि वेदर सिंपली योर जॉब इज सॉफ्ट और हार्ड, बराबर है कि नहीं। ये हम लोगों को पता ही, अभी तक हम बहुत बार कर चुके हैं कि हार्ड जॉब क्या होता है, सॉफ्ट जॉब क्या होता है, ये हम लोग अभी तक बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट द लेक्सिटी टाइप इट इज ट्राइंग टू इंडिकेट यू कि आपके जो जॉब का टाइम कंस्ट्रेंट है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये काम आपका लेक्सिटी टाइप करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं यूजफुलनेस फंक्शन। मतलब अगर मेरा यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिव जॉब है, बराबर, वो जॉब एग्जीक्यूट हुआ और जॉब एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे एक रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, एक रिजल्ट जनरेट हुआ, तो अभी इस रिजल्ट का यूजफुलनेस कितना है, इस रिजल्ट का यूजफुलनेस कितना है वो हमें अगर पता लगाना है, तो एक रिस्पेक्टिव फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं टार्डीनेस। आई थिंक मैं इसे एक वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कुछ हद तक, टार्डीनेस, करेक्ट है कि नहीं। तो टार्डीनेस फॉर हार्ड रियल टाइम जॉब्स एंड सॉफ्ट रियल टाइम जॉब्स, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो।
तो यहाँ पे भी एक बेसिक में आइडिया दे देता हूँ। टार्डीनेस मतलब क्या, थोड़ा लेट हो जाना। इसका अगर अपोजिट आप देखोगे टार्डीनेस का अपोजिट क्या है तो पंचुअल, टाइमलीनेस। टार्डीनेस का अपोजिट क्या है, पंचुअलिटी, टाइमलीनेस। तो टार्डीनेस क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो जाना, करेक्ट। तो अब यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो कितना यूजफुल है वो अगर मुझे पता करना है एक तरीके से, तो यहाँ पे एक टार्डीनेस फैक्टर को आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरा टार्डीनेस बढ़ रहा है, नाउ आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड जॉब्स, लेट्स कंसिडर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ हार्ड जॉब। तो हार्ड जॉब का जो रिजल्ट है उसके बारे में देखते हैं कि उसका जो रिजल्ट का यूजफुलनेस है वो पूरी तरीके से गिर जाता है, मैं कह सकता हूँ जीरो हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जो यूजफुलनेस वैल्यू है आपके रिस्पेक्टिव रिजल्ट की वो जीरो या नेगेटिव हो जाएगी अगर आपका टार्डीनेस लेवल इंक्रीज होता है तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वाई, बिकॉज टार्डीनेस लेवल इंक्रीज हुआ मतलब लेट हो गए आप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप लेट हो गए। और हार्ड रियल टाइम जॉब्स क्या होते हैं कि जिनका डेडलाइन आपको पालना ही पालना है, अगर आपने डेडलाइन मिस कर दिया तो जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो बड़ा ही डिजास्ट्रस होगा, उसका यूजफुलनेस जीरो होगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उसका जो यूजफुलनेस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज आपको डिजास्ट्रस नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वंस यू आर टू लेट टू एग्जीक्यूट दैट रिस्पेक्टिव जॉब विद इन द डेडलाइन। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड रियल टाइम जॉब्स, कि जहाँ पे आपका जो रिजल्ट है उसका यूजफुलनेस आपको एक तो जीरो या नेगेटिव मिल सकता है अगर आपका टार्डीनेस इंक्रीज होता है तो, करेक्ट। अब अगर मैं सॉफ्ट रियल टाइम जॉब्स के बारे में बात करूं तो सॉफ्ट रियल टाइम जॉब्स मतलब क्या कि यहां पे मेरा टार्डीनेस इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। थोड़ा थोड़ा मैं लेट हो रहा हूं, ग्रेजुअली रिपीटेडली मेरा जो एक लेट होने का, लेट होना मतलब क्या कि जो आपकी डेडलाइन है उसको आप मिस कर रहे हो, जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा लेट हो आप, दैट इज अ टार्डी, योर जॉब इज बिकमिंग टार्डी, करेक्ट और नॉट। तो जैसे जैसे आपका टार्डीनेस लेवल बढ़ते जाता है आपका जो यूजफुलनेस लेवल है आपके सॉफ्ट रियल टाइम जॉब्स का वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट और नॉट। तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, जैसे कि अगर मैं ग्राफिकल पैटर्न में दिखाऊं तो ग्रेजुअली कैसे डिक्रीज होगा, जैसे मेरा यहाँ पे टार्डीनेस लेवल बढ़ रहा है वो ग्रेजुअली कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगा, लाइक दिस, करेक्ट, इस तरीके से डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है जब मैं हार्ड रियल टाइम जॉब्स की बात करता हूँ, तो वो सीधा ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सीधा नेगेटिव हो जाता है, लाइक दिस। सो दिस इज सो ड्रास्टिक कि अभी तक तो कुछ बड़ा भी नहीं था, ये टार्डीनेस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये टार्डीनेस है। तो इतना सा मेरा टार्डीनेस बढ़ गया और मेरी जो रिस्पेक्टिव यूजफुलनेस है वो एकदम ही आगे चली गई, नेगेटिव में चली गई, जीरो के नीचे चली गई, यानी डिजास्ट्रस इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे कंसिडर करूँ, ये मेरा कर्व है फॉर द सॉफ्ट रियल टाइम जॉब्स, कि जहाँ पे मेरा जो भी यूजफुलनेस है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो जीरो को टच कर रहा है एज द टार्डीनेस लेवल इज गेटिंग इंक्रीज, जैसे जैसे मैं लेट होते जा रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। ये वीडियो के थ्रू अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।